सिंगरौली के नवानगर में एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने शराब के नशे में सारी मर्यादा भूलकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही नवानगर पुलिस ने तत्काल शराबी युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब खेत में खेती का काम कर रही थी, तभी शराब के नशे में धुत बहसी आरोपी राजेश साकेत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने घटना घर के सदस्यों को बताया, जिसके बाद इस बहसी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो गेहूँ खेत में काम कर रही थी, पड़ोस के गांव का राजेश साकेत, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके द्वारा खेत में अकेला पाकर महिला के साथ दुष्कृत किया गया था, जिसकी रिपोर्ट महिला द्वारा थाने में की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से उसे न्यायिक कक्षा में भेज दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।